हिमाचल दिवस 2023 के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम चंबा के चौगान में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम हेतु इन दिनों चंबा के राजकीय मॉडल कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं द्वारा परेड की तैयारियां की जा रही है। इस दौरान स्कूल की NSS की 19 छात्राएं कार्यक्रम में भाग ले रही है। इस बारे स्कूल के प्रधानाचार्य राजेश कश्यप ने दी। 15 अप्रैल को हमारा हिमाचल दिवस होता है, तो जिसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे बच्चों को भी बुलाया जाता है। हर साल ही बुलाए जाते थे, इस बार क्या हुआ कि कल्चर प्रोग्राम जो हम नहीं दे पा रहे तो, लेकिन NSS में हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करते ही हैं, तो इसमें लगभग 19 लड़कियाँ पार्टिसिपेट करेंगी। अभी ये पूर्वाभास किया जा रहा है क्योंकि परेड तो इनकी रिहर्सल जो है वो आपकी 11 तारीख से शुरू हो रही है। वो डिपार्टमेंट जो खुद करवा रहे हैं, बारगा में ले जाएंगे बच्चों को, और वहाँ पर एक लेडी टीचर भी साथ जाती है। 3 दिन वो लगातार रिहर्सल करेंगे। 14 अप्रैल को वो बच्चों को फ्री रखते हैं, फिर 15 अप्रैल को फिर से बुलाया जाता है। इनमें से 4 लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो परेड अच्छी करती हैं और जिनको विभाग की तरफ से इनाम भी दिया जाता है, इसलिए इसका पूर्वाभास हम अपने विभाग पर करवा रहे हैं। क्योंकि मैं एज मास्टर ट्रेनर शिमला जाता रहता हूँ, तो ये मेरा ये फर्ज है कि मैं इनके असल पहले खुद करवाऊँ, उनमें से जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनको ही आगे भेजूँ। कितने बच्चों की सर आप रिहर्सल करवा रहे हैं? अभी लगभग 19 बच्चे जो हैं वो रिहर्सल में आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ट्रैक सूट जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो हमारे पास जैसे 22 या 23 ट्रैक सूट हैं, क्योंकि मेरे आने से पूर्व यहाँ पर ट्रैक सूट की कमी थी। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, सबसे पहले मेरा यही काम था कि ट्रैक सूट बच्चों को दिलवाया जाए, क्योंकि अगर यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी तो ज़्यादा बेटर रहता है। ऐसे बच्चों को स्कूल की यूनिफॉर्म में भेजा जाता था तो मेरे को लगता कि वो ज़्यादा अच्छा रहता था। अब ट्रैक सूट ला के दिए तो 19 ट्रैक सूट इस वक्त जो ब्रांडेड है बिल्कुल, वो बच्चों को दिए जाएंगे, कैप दी जाएगी, उसके द्वारा ही बच्चे जो आगे परफॉर्म करेंगे।